नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपको शेयर कराने जा रहे हैं गुरुकुल हॉस्टल तारनगर की। जैसे ही हम मेन गेट के द्वारा गुरुकुल हॉस्टल के अंदर प्रवेश करते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह की बिल्डिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और जो सामने आपको दिखाई दे रही है वो गुरुकुल हॉस्टल की रसोई है, जिसके अंदर लगभग 40 से 50 बच्चों का डेली का खाना यहाँ पर बनाया जाता है। ये गुरुकुल हॉस्टल है, गुरुकुल कोचिंग के स्टाफ द्वारा संचालित है। केदार जी व बलवान जी जो स्वाजी तारण गुरुकुल कोचिंग के किंग ऑफ द जी के स्वाजी तारण के मित्रगण केदार जी द्वारा संचालित है। इस जो संस्थापक के कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आने के इच्छुक हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और तारनगर की गुरुकुल कोचिंग के अंदर आप स्टडी करते हैं तो इससे बेहतरीन फैसिलिटी वाला आपको जो हॉस्टल है वो यहाँ पर है, पूरे तारनगर के अंदर आपको दिखाई नहीं देने वाला है। सबसे पहले हम आते हैं मेन बिल्डिंग के अंदर, जो मिडल जो फ्लोर है उसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कितना शानदार व्यू यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर कितने शानदार रूम है जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको फ्री इंटरनेट 5G इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। अब हम जाते हैं सबसे टॉप के फ्लोर पर। जैसे ही हम यहाँ पर अपने टॉप पर फ्लोर पर जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना अच्छा व्यू यहाँ पर जो ये हॉस्टल है यहाँ से आ रहा है। अब हम लोग आपको लेकर आ चुके हैं जो फर्स्ट फ्लोर है उसके अंदर आपको लेकर आ चुके हैं। तो आप सबसे पहले बाहर का व्यू देख लीजिए, सामने आपको टैगोर कॉलेज दिखाई दे रहा होगा और बाहर का व्यू बहुत ही शानदार यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों, इस हॉस्टल के अंदर आपको जो हर फ्लोर के अंदर यहाँ पर आपको टॉयलेट एंड बाथरूम की सुविधा दिखाई देगी। यहाँ पर बहुत ही अच्छी साफ़ सफाई रहती है। और दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं जो गुरुकुल हॉस्टल की छत है उसके ऊपर लेकर चलते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही इस बिल्डिंग से शानदार व्यू देखने को मिलेगा। जैसे ही हम यहाँ पर ऊपर आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कपड़े सुखाने की पूरी सुविधा है और यहाँ पर एक इन्वर्टर की भी सुविधा। यहाँ पर आपको 24 घंटे से लाइट की सुविधा मिलेगी। अब हम लोग आपको यहाँ पर अंडरग्राउंड के अंदर लेके जा रहे हैं। इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर 3 फ्लोर दिखाई देंगे, एक अंडरग्राउंड के अंदर, एक मिडल और एक जो फर्स्ट फ्लोर है वो यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस हॉस्टल के अंडरग्राउंड के अंदर कितनी अच्छी सुविधा, यहाँ पर लाइटिंग की भी सुविधा है और बहुत बड़े बड़े रूम यहाँ पर मिलेंगे जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। अब हम पुनः आपको रसोई घर की ओर लेकर आ चुके हैं और रसोई घर के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि बच्चों के लिए खाना किस प्रकार बनता है। सबसे पहले आप यहाँ की साफ़ सफाई देख सकते हैं कि कोई भी बच्चा अंदर जो जूते या चप्पल लेकर नहीं जाता है। और इस हॉस्टल के अंदर आपको यहाँ पर भरपूर मात्रा में रबड़ी और छाछ की सुविधा भी मिलेगी। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि पंडित जी, अंकल जी यहाँ पर जो खाना बना रहे हैं और बच्चे यहाँ से खाना लेकर जा रहे हैं। अपनी मनपसंद का खाना यहाँ पर आपको इस हॉस्टल के अंदर मिलेगा, बिल्कुल घर जैसा खाना, पंडित जी के हाथ का खाना हॉस्टल के अंदर मिलेगा। इस हॉस्टल में बच्चे आपको बहुत ही अच्छे व्यवहारिक बच्चे यहाँ पर इस हॉस्टल के अंदर रहते हैं। अब हम आप लोगों को लेकर आ चुके हैं टॉयलेट एंड बाथरूम की तरफ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन टॉयलेट एंड बाथरूम्स की कितनी ज़्यादा सफाई यहाँ पर रखी जाती है। इस हॉस्टल के अंदर पूर्ण मात्रा में यहाँ पर टॉयलेट एंड बाथरूम है, किसी भी कंडीशन में यहाँ पर बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि हर जो फ्लोर है उस पर जो कम से कम 4 या 5 टॉयलेट एंड यहाँ पर बाथरूम आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर इस हॉस्टल की आप सफाई देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी जो यहाँ पर सफाई यहाँ पर दी जा रही है और बहुत ही अच्छी सुविधा इस हॉस्टल में आपको मिलेगी। अब हम लोग आपको इस हॉस्टल के रूम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस हॉस्टल में जिस प्रकार का आपको रूम चाहिए वो रूम आपको मिलेगा। यहाँ पर डबल बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम यहाँ पर आपको दिखाई मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़ा रूम चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर इस हॉस्टल के अंदर है। आप यहाँ पर इस हॉस्टल के रूम देख सकते हैं कि कितने अच्छे साफ़ सुथरे रूम है और कितने बड़े यहाँ पर आपको रूम दिखाई देते हैं। अगर आप लोग इस हॉस्टल के अंदर आना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं उस पर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करें।
और टैगोर कॉलेज के सामने, जस्ट सामने गुरुकुल हॉस्टल में एक बार ज़रूर आए, एक बार गुरुकुल हॉस्टल को अपनी सेवा का मौका ज़रूर दें। गुरुकुल हॉस्टल के अंदर हर रूम पर आपको एक कूलर की सुविधा ज़रूर दी जाएगी, गर्मियों में आपको कूलर की सुविधा दी जाएगी। आप लोगों को हमारा वीडियो एंड जो हॉस्टल की सुविधा है वो आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।